आपने लोन के लिए ट्राई किया हो लेकिन आपका लोन फेल हो गया हो, आपने अपने बच्चे के लिए आईलेट्स कराने के लिए पैसे लगाए हो लेकिन वो फ्लॉप हो गया हो, और बच्चा जब एग्जाम देता है तो वो अपने आप को हारा हुआ समझता है कि मैं हार गया हूं, मैं जीतने वाला नहीं हूं। लेकिन आज हो सकता है आप में से कोई ऐसा यहां पर बैठा सोच रहा हो कि शायद मैं हार गया हूं, मैं जीतने वाला नहीं हूं। आपने बड़ा मकान बनाने की कोशिश किया लेकिन मकान पूरे साल में नहीं बना पाए क्योंकि कभी कोई नुकसान, कभी चोरियां, कभी एक्सीडेंट, किसी न किसी प्रॉब्लम में आप फंसे रहे, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके काम सफल नहीं हो रहे हैं, जो लोगों को लगता है कि मैं हार गया हूं, हो सकता है आपकी किडनियां जवाब दे गई हो, किसी का लीवर, किसी के घुटने जवाब दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों से जाकर कह दे जो आज का कलाम सुनेंगे, करा जो आज का वचन ध्यान से सुनेंगे, करा गेट के बाहर जब निकलेंगे, करा आपको एक कॉल आएगी, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक अच्छा रिजल्ट आज रात आएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जब वचन का प्रकाश खुलता है तो एंजल नीचे उतरते हैं, जब बाइबल खुलती है तो परमेश्वर का मन खुलता है। याद रखना, जब एक विश्वासी बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल खोलता है तो परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग से मुट्ठी खोलता है। याद रखना, मुट्ठी खुलवानी है कि बंद करवानी है? आपने पड़ोसी से पूछो, अरे मुट्ठी खुलवानी है कि बंद करवानी है? आज कह रहे कि आज परमेश्वर आपके लिए मुट्ठी खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना, आज मुट्ठी खुलेगी, आज आपके लिए बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप हेल्थ में लड़ते रहे आ रहे हो, फाइट करते आ रहे हो, अपने शरीर में फाइट कर रहे हो अपने आप, लेकिन आज हो सकता है आप मकान बनाने के लिए फाइट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, पैसा जोड़ रहे हो लेकिन आप मकान नहीं बना पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप फाइट पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है और आपको लग रहा है कि मैं शायद मेरी फाइट में मैं हार जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जितने भी फाइट लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुकाम पर जाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर मंजिल दूर लग रही है, आज का वचन आपके पास मंजिल को लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हमारा टॉपिक है आज, तुम हारे नहीं जीत चुके हो। आमीन। आज का टॉपिक है तुम हारे नहीं जीतने वाले हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बताओ उसको, तू हारा नहीं, हाथ मिला के बताओ दो लोगों को, तू हारा नहीं है, तू जीतने वाला है। यस। आपको जीतने के चार सीक्रेट बता रहा हूं आपको, हम देखें स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, पढ़ेंगे जरा शोक के साथ स्क्रीन पर। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, निरंतर प्रार्थना करें, ठान लो मुझे फाइट जीतनी है, अंदर से डरे नहीं, खुदा पर भरोसा रखें। हालेलुया। क्या लिखा कह रहा है कि यहाँ पर बाइबल बता रही है, सफल होने के लिए अगर आज अपनी लाइफ में आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर इच्छा रखनी पड़ेगी, जीतने की इच्छा। जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप बड़े से बड़ी फाइट नहीं जीत सकते। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हार रहे हैं किसी भी काम में, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको जिताकर भेजेगा, लेकिन कब? करा जब आपके अंदर इच्छा होगी। इच्छा अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है काम करने की तो परमेश्वर आपको कभी नहीं जिताएगा। लेकिन दूसरा कह रहा, निरंतर प्रार्थना करने वालों के लिए, यहां पर हम इफिसियों 1:9 में पढ़ते, देखो यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा, कह रहा तू धरती पर जा और लोगों को पाप से बचा, लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा ना होती वो धरती पर नहीं आने वाला था। लेकिन अगर आज आपके अंदर इच्छा है कि मैं अपने पड़ोसियों को, दो पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं दो लोगों को बताऊंगा कि आप पाप करने वाले को करे के पाप की मजदूरी का फल मिलता है, अगर आज आप ईमानदारी के साथ चलते हैं तो पवित्र आत्मा करे के ओवर टाइम भी देगा, बोनस भी देगा। Yes. वो फल भी आपकी गोद में लुटाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर बता रहा है, कह रहा इस बात के लिए कि यीशु मसीह को धरती पर जब आना पड़ा, लिखा क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। कह रहा पहले उसने अपने अंदर इच्छा जगाई और ठान लिया, कह रहा चाहे मुझे क्रूस पर मरना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं कह रहा लोगों को पाप से बचाने के लिए धरती पर जाऊंगा। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि आप सफल कब होते हैं, जब आप अपने अंदर इच्छा रखते हैं। कह रहा कि अगर आज आपने अपने अंदर इच्छा नहीं जगाई, कुछ लोगों के अंदर इच्छा है ही नहीं चर्च आने की, लेकिन वो अपनी फाइट कर रहे हैं, डॉक्टर से फाइट कर रहे हैं, पैसे से फाइट कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, हो सकता है आपके पास पैसा हो, आप अपनी मेहनत से मंदिर खड़ी कर रहे हो, आप लड़ाई लड़ रहे हो कैंसर से, शुगर से, पथरी से, रसौलियों से, आप बीमारी से फाइट लड़ रहे हो व्हीलचेयर पर बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आज तुम्हारे अंदर इच्छा जाग रही है कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा और ठान लिया है जैसा वो कहेगा मैं करूंगा, मैं कह रहा हूं लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर लड़ेगा तुम्हारे लिए। आमीन। फाइट परमेश्वर करेगा तुम्हारे लिए। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। यस। मैं फिर कह रहा हूं तुम पहले जैसे नहीं रहोगे।